नमस्कार फ्रेंड्स, आई दिवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों, आज रोज बच्चों हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम में, जिसमें हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 13 एमाइन कंपाउंड्स। तो ये एमाइन कंपाउंड्स के अंदर दोस्तों आज रोज बच्चों हम एक नया वीडियो शुरू करने जा रहे हैं कि जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइन कंपाउंड्स। सो चैप्टर है हमारा चैप्टर 13, जिसमें एमाइन कंपाउंड्स उसका नाम है। उसके अंदर वीडियो नंबर 4 देखने जा रहे हैं। मैंने अभी आपको बोला कि ये वीडियो नंबर 4 के अंदर हम टॉपिक नंबर 13.13.6 दैट इज केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी हम बात करेंगे आज के ये टॉपिक के बारे में। सो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के अंदर दोस्तों एमाइन कंपाउंड जो है, तो ये एमाइन कंपाउंड्स के अंदर वो रिएक्टिव क्यों है, तो उसके दो रीजन यहां पे मेंशन किए गए हैं। वन दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, इट इज क्वाइट मोर। तो ये हो गया वन डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज क्वाइट मोर एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। वेरस दूसरा जो रीजन है, नाइट्रोजन के ऊपर अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ये दो रीजन है बिकॉज ऑफ विच द एमाइन कंपाउंड्स आर क्वाइट रिएक्टिव। नाउ दूसरा, एमाइन की जो रिएक्शन है उसमें कौन सा एमाइन है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है। जैसे कि अगर आपके पास प्राइमरी एमाइन हो, मतलब कि प्राइमरी एमाइन में नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन एटम रहने वाले, वेयर एज अगर आपके पास सेकेंडरी एमाइन हो तो सेकेंडरी एमाइन के अंदर नाइट्रोजन के पास ओनली वन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। वेयर एज ऐसे ही अगर आप देखो तो टर्शरी एमाइन के अंदर नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। ओके, सो ये भी रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। ओके, मोर ओवर एमाइन्स बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल्स। रीजन क्या है? बिकॉज उनके पास अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ओके, कुछ एमाइन की जो रिएक्शन हो रही है वो हम यहाँ पे अभी एक एक करके देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइन्स। एमाइन का जो कैरेक्टर है वो बेसिक नेचर है। अभी ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है,
What are the different reasons because of which amines are having basic character? उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे. So, amines being basic in nature, react with acid to form salt. यानी कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है. जैसे कि आप यहाँ पे रिएक्शन देख रहे हो, RnH2, दैट इज प्राइमरी एमाइन, वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ. तो आपको HnH2 के साथ कंबाइन होके RnH3+X- दे रहा है, जिसको हम सॉल्ट बोल रहे हैं. ओके, पर दोस्तों ये तो बात हुई एलिफेटिक एमाइन की. अगर आपके पास एरोमेटिक एमाइन हो तो उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है बच्चों. अगर एरोमेटिक एमाइन हो हमारे पास तो क्या करेंगे? तो एरोमेटिक एमाइन का एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है एनिलिन. ये एनिलिन HCl के साथ रिएक्ट करके हमें एनिलिनियम क्लोराइड दे रहा है. HCl के दो आयन्स होते हैं, एक है पॉजिटिव विच इज H+ और दूसरा है नेगेटिव विच इज कॉल्ड Cl-. तो H+ NH2 के साथ कंबाइन होके NH3+ NCl- प्रोवाइड करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं एनिलिनियम क्लोराइड. आफ्टर दैट केमिकल रिएक्शंस के अंदर बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस में एमाइन सॉल्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विथ बेस लाइक NaOH. मतलब कि पिछली स्लाइड में जो एमाइन का सॉल्ट मिला RnH3+Cl-, ओके, या फिर OH- जो भी सॉल्ट हो, ओके, वो NaOH के साथ रिएक्ट करके पेरेंट एमाइन वापिस दे रहा है. जैसे कि ये रहा है यहाँ पे देखो RnH3+X- NaOH का जो OH है हाइड्रोक्साइड आयन, उसके साथ इंटरैक्ट करके आपको RnH2 दैट इज प्राइमरी एमाइन, जो आपने शुरुआत में एज अ पेरेंट एमाइन लिया हुआ था, वो वापिस मिल रहा है. एंड H2O+ हैलाइड आयन लिबरेट हो रहा है. सॉरी, एमाइन सॉल्ट्स जो है आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर वो डिजोल्व हो रहा है. बट कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है जैसे कि ईथर, तो उसके अंदर वो इनसॉल्युबल है, उसमें वो डिजोल्व नहीं होने वाला है. दिस रिएक्शन इज द बेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ एमाइंस फ्रॉम द नॉन बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनसॉल्युबल इन वाटर. The reaction of amines with mineral acid to form ammonium salts shows that these are basic in nature. Amines have an unshared pair of electrons on nitrogen atom, due to which they behave as Lewis base. Basic character of amines can be better understood in terms of their KB, that is dissociation constant for base, and PKB. जैसे कि अभी यहाँ हमारे पास यहाँ पे RnH2 plus H2O, it give us RnH3 plus and OH- है. तो इसमें KB के लिए पहले से बात करें, उससे पहले K इक्विलिब्रियम हमें फाइंड करना पड़ेगा. K इक्विलिब्रियम, सो फॉर द K इक्विलिब्रियम व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट है हमारे पास
RnH3+, उनका कंसेंट्रेशन OH- आयन का कंसेंट्रेशन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट आ जाएगा आपका RnH2 इंटू H2O का कंसेंट्रेशन। पानी को ऊपर लेके आएंगे तो बन जाएगा K इक्विलिब्रियम इंटू H2O इज इक्वल टू RnH3+ साथ में OH- अपॉन, पानी ऊपर आ गया है भाई तो डिनोमिनेटर में बचेगा सिर्फ RnH2। ओके, के इक्विलिब्रियम इंटू H2 को हम बोलते हैं KB, तो KB इज इक्वल टू RnH3+ इंटू OH- अपॉन RnH2। इसमें ये KB को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कन्वर्ट करेंगे PKB में। PKB इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10 KB। ओके, ये हो गया फाइनल फॉर्मूला PKB का। PKB जितना कम उतना बेस कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग। ओके, PKB जितना कम उतना बेस उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। ओके, नाउ लार्जर द PKB, सॉरी वैल्यू ऑफ KB, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ PKB, स्ट्रॉन्गर इज द बेसिस। अभी यहां पे मैंने यही चीज आपको बताई। ओके, नाउ कुछ एग्जांपल्स यहां पे दिए गए। PKB वैल्यू ऑफ एमोनिया जो दिया है 4.75, देन एलिफेटिक एमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। रीजन क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप्स लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। ये बात तो मैंने अभी आपको देखो बोली के इक्विलिब्रियम वाली, वो तो फॉर्मूला लेके हम आए। ओके, नाउ PKB वैल्यूज लाई इन द रेंज ऑफ, कहाँ से एलिफेटिक के 3 to 4.22 के अंदर वो आते हैं। On other hand, the aromatic amines are weaker bases than ammonia due to the electron withdrawing nature of aryl group. अभी हम कुछ examples देखेंगे, जैसे कि एक एक है हमारे पास methanamine जिनका है 3.38 PKB value, then N-methyl methanamine जिनका है 3.27, after that NN डाइमिथाइल मिथेनेमाइन तो उसमें 4.22, उसके बाद है इथेनेमाइन तो इथेनेमाइन का 3.29, देन N इथाइल इथेनेमाइन तो वो है 3.00, उसके बाद NN डाइइथाइल इथेनेमाइन तो वो है 3.25। अभी तक के जो ये सब देखे 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ऑल आर हैविंग द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिफेटिक, कि जिनका PKB जितना कम उतने स्ट्रॉन्गर बेस होंगे। ये तो हमारी बात हुई, तो MCQ के लिए इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रखने। तो एलिफेटिक की रेंज क्या है, 3 से लेके 4.22 तक हमें जाना है। वेरस एरोमेटिक में देखें हम तो बेंजेनेमाइन का है 9.38, फिनाइल मिथेनेमाइन का है 4.70, एन मिथाइल एनिलिन का है हमारे पास 9.30, देन एन एन डाइमिथाइल एनिलिन का है हमारे पास 8.92। सो बच्चों, ये जो पूरा टेबल है वो खास करके MCQ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर बोर्ड के लिए याद रखना है। ओके, यू मे फाइंड सम डिस्क्रिपेशंस क्रिपेंसिस
while trying to interpret KB value of amines on the basis of positive as well as the negative inductive effect of the substituents present in amines. Besides inductive effect, और कुछ भी यहाँ पे काम करेगा, like solvation effect, steric hindrance, okay? ये भी amine की basic strength के ऊपर affect कर रहा है. Structure, basicity, relationship of amines. So, सबसे पहले हम बात करें तो इसके अंदर basicity of amines is related to the structure. मतलब कि वो structure के ऊपर dependent है. Basic character of amine depends upon the ease of formation of the cation accepting proton from the acid. The more stable the cation is relative to the amine, more basic is the amine. First reaction alkane amines versus ammonia. मतलब कि जो भी reaction होने वाली है उसमें हम अल्केनेमाइन को प्रोटॉन के अंदर ऐड ऑन करेंगे और अमोनिया को प्रोटॉन के अंदर ऐड ऑन करेंगे एंड देन विल सी विल कंपेयर देयर बेसिसिटी. सो लेट अस टेक द रिएक्शन ऑफ इट. सो सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है तो RnH2 मतलब कि प्राइमरी एमाइन हमने लिया, वो प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, और हमें प्रोवाइड करेगा RnH3+. ये बात हो गई एलिफेटिक एमाइन की. ओके, एलिफेटिक एमाइन के अंदर रिएक्शन हमने देखा तो वो प्रोटॉन के साथ इंटरैक्ट करके RnH3+ दे रहा है. जबकि एमोनिया की बात करो आप तो वो एमोनियम आयन दे रहा है प्रोटॉन के साथ इंटरैक्ट करके. नाउ due to electron releasing nature of alkyl group, it pushes electron towards nitrogen and thus makes the unshared electron pair more available for sharing with the proton of the acid. Moreover, substituted ammonium ion formed from the amine gets stabilized due to dispersal of positive charge by positive inductive effect of alkyl group. Hence, alkyl amines are stronger bases than ammonia. आपको ये reason पूछ सकते हैं, why alkyl amines are stronger bases than ammonia? तो यहां तक आपको आंसर लिखना है. Thus, the basic nature of aliphatic amines should increase with the increase in the number of alkyl groups. This trend is followed in the gaseous phase. तो ये तो गैस में फॉलो हो रहा है और उनका जो ऑर्डर है एक्सपेक्टेड ऑर्डर फॉर gaseous phase वो है tertiary amine greater than secondary amine greater than primary amine and greater than ammonia itself. The trend is not regular in the case of aqueous. Aqueous के अंदर पानी भी आ जाता है दोस्तों, तो ये regular pattern नहीं मिलेगी ऐसे ही. तो उसके अंदर जो बात करें हम तो उसमें कुछ पूरी एक list हमने देख ली है ऑलरेडी, PKB values. In the aqueous phase, the substituted ammonium cations get stabilized not only by electron releasing effect of the alkyl, that is positive inductive effect, but also by solvation with the water molecules. मतलब कि वो water के साथ solvation effect देगा. The greater the size of the ion, lesser will be the solution. And the less stabilized is the ion. The order of stability of ion, हम देख ले, which are as follows.
जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखो तो H2O वन टाइम टू टाइम एंड थ्री टाइम प्राइमरी के अंदर तीन पानी है हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए, वेरेज वन अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट। सो प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। सेकेंडरी के अंदर आप देखो तो दो पानी ओके एंड टू अल्काइल ग्रुप्स। ऐसे ही बच्चों टर्शरी के अंदर तीन अल्काइल ग्रुप और एक पानी और वन हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट। सो यू कैन राइट इट प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी ओके। सो हियर सॉल्वेशन इज ऑल्सो अफेक्टिंग, दिस कैन बी सीन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयंस बाय सॉल्वेशन। ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एमोनियम केटायन, स्ट्रॉन्गर शुड बी द करस्पॉन्डिंग एमाइन एज अ बेस। दस द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमाइन्स शुड बी प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी, विच इज क्वाइट अपोजिट टू द इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड ऑर्डर, जहाँ पे टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी greater than primary was there, whereas here they have given primary greater than secondary greater than tertiary, so it is quite opposite, which is opposite to the inductive effect based order. Secondly, when the alkyl group is small like methyl, there is no steric hindrance, but suppose ethyl, propyl, such large group is present, then there will be steric hindrance okay which is available, which is going to change the order of basic strength of amine. Thus there is a subtle interplay of the inductive effect, solvation effect and steric hindrance of the alkyl group, which decides the basic strength of the alkyl amines in the aqueous state. The order of basic strength in case of methyl substituted amines and ethyl substituted amines in aqueous solution is as follows. So let us take the example of it for MCQ. First, in case of ethyl substituted, the secondary amine, then greater than tertiary amine, greater than primary amine, greater than ammonia. Whereas for methyl substituted, secondary amine greater than प्राइमरी एमाइन ग्रेटर देन टर्शरी एमाइन ग्रेटर देन एमोनिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा चेंज है ओके। दैट्स ऑल। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो दोस्तों। दूसरी बात, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। उसमें ज्वाइन होना हो तो कैसे ज्वाइन करेंगे, तो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके पास लिंक होगी, जिसमें क्लिक करके सीधा आप टेलीग्राम के अंदर भी ज्वाइन हो सकते हो। उसमें हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मैं भेजता हूँ। दूसरी बात, जो बच्चे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक बात, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अभी तक हमने ये चैप्टर में 1, 2, 3 और 4 वीडियो देखे हैं, और आज का ये वीडियो था वीडियो नंबर 4 ओके, जो हम अभी फिनिश कर रहे हैं ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू।